वेलकम टू मैट। मैं फिर से वापस आ गई एक न्यू डिज़ाइन के साथ। सो मैं आज आपको बताने वाली हूँ ये मिरर को मग्गम नीडल से कैसे स्टिच कर सकते। सो बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो में चले। सबसे पहले यहाँ पर क्लॉथ के ऊपर मैंने ग्लू लगाया, उसके ऊपर मैंने मिरर चिपकाया। तो यहाँ पर मैं येलो कलर की थ्रेड ली, वो टू स्टैंड थ्रेड है, और मग्गम का नीडल भी मैं टू स्टैंड ली। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी नोक मोटा है, तो टू स्टैंड्स को ये कैरी कर सकता है। सो मैं सबसे पहले नीचे से थ्रेड ऊपर लेने वाली हूँ, वो भी डबल स्टैंड का थ्रेड है। सो ये आपको मिरर के क्रॉस में लेना है। ये लंबा वाला स्टिच है, नीचे करना है, फिर इसके ऊपर छोटा वाला आपको स्टिच लेना है। अगेन आपको ये पीछे लंबा वाला स्टिच लेकर और छोटा वाला स्टिच लेना, अगेन आपको ये सबसे सामने लेकर फिर अगेन ये छोटा वाला स्टिच आगे लेना है। सो सेम आपको रिपीट करना होगा, पीछे भी लंबा वाला स्टिच फिर छोटा वाला आपको स्टिच लेना होगा। ऐसे ही करते आपको सामने सामने जाना पड़ेगा। आपको यहाँ पर मैं एक टिप दूंगी, ये है कि आप जब भी ग्लास वाला मिरर यूज़ कर रहे हो तो आप ग्लू ज़्यादा लगाइए और अच्छी तरीके से चिपकाए, क्योंकि ये ग्लास वाला मिरर बहुत हेवी रहता है, जल्दी निकल जाने के चांसेस रहते हैं। वही प्लास्टिक वाला मिरर यूज़ कर रहे तो आप ज़्यादा ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उतना ज़्यादा हेवी नहीं रहता तो वो निकल जाने के चांसेस बहुत कम रहते। तो यहाँ पर जो स्टिच है आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, जहाँ स्टार्ट करें वहाँ एंड तक आपको करना होगा सेम स्टिच रिपीटेडली। एंड यहाँ पर मैं आपको सेकंड टिप देने वाली हूँ, आप बेसिक को आप पहली बार कर रहे हो तो आप ये कांच वाला मिरर मत यूज़ करें, क्योंकि वो कांच वाला मिरर के कोने से आपकी तागा कट सकता है। तो आप प्लास्टिक वाला मिरर मिलेगा, आप प्लास्टिक वाला मिरर पर पहले प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप कांच वाले मिरर पर प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आपको तब नीट एंड क्लीन आएगा एंड तब आपको इरिटेशन भी नहीं होगा कि क्योंकि बार बार थ्रेड टूटेगा कांच पे। सो आप सबसे पहले प्लास्टिक मिरर पे प्रैक्टिस करिए। देखिए ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सो जहाँ पर से स्टार्टिंग किए थे अपन वहीं पर ये इलाके एंड करना होगा, आपको सेम रिपीट करना होगा। मैंने बहुत ज़्यादा वाला डिटेल में बताया कि लॉन्ग स्टिच और शॉर्ट स्टिच में ही लेना होगा। अगर आपको एक बार चेन स्टिच डालना होगा तो आपको ऑलमोस्ट पूरा स्टिचेस आपको बहुत ज़्यादा वाला ईजी लगेंगे। और ये मिरर वर्क का मैं इसका डिज़ाइन डाल के भी मैं आपको बताऊँगी फ्यूचर में। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं इसका मिरर वर्क मग्गम नीडल के अलावा भी इसको मैं नॉर्मल नीडल से कैसे स्टिच करना है मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। देखिए फाइनल लुक है ये मिरर वर्क का, कितना क्यूट एंड प्यारा लग रहा है एंड फिनिशिंग के साथ है। आप भी ये कर सकते हैं। अगर मेरी कंटेंट आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। एंड प्रैक्टिस मेक्स ह्यूमन परफेक्ट। थैंक यू सो